हे गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो ऑफ रिएक्शन गर्ल चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि मेरे फैमिली को कुछ होना भी नहीं चाहिए यार। आप सभी लोग अच्छे होंगे तभी तो मैं अच्छी होंगी। सो गाना आ चुका है गुलजार छानेवाला जी का गॉडफादर। इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे मेरे को, मतलब अभी गाने को आए एक दिन नहीं हुआ, मेरे को गाना आने से पहले कमेंट आ गया कि सिर्फ मैम ये सॉन्ग आने वाला है, कल आपको इसके ऊपर वीडियो बनाना है। सो थैंक्स अ लॉट कि आप इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। और ना पता कुछ बिजी शेड्यूल था, बिजी शेड्यूल ऐसे था कि घर में एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, मतलब डेथ हो गई थी किसी ताया जी की। सो उसकी वजह से मैंने कमेंट्स भी रीड नहीं करे, बहुत अजीब सी सिचुएशन थी घर में तो उसकी वजह से, लेकिन अभी सब कुछ सेट है। सो जो आएगा उसको तो जाना है ही। गॉडफादर सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है। गुलजार छानेवाला जी ने लिरिक्स वगैरह सब दिए, आप सभी तो उनके बहुत बड़े फैन हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा उनके बारे में। सो गॉडफादर सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा मन है मेरा, माइंड सेटअप होएगा थोड़ा सा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। बैग पकड़ा दे इसने। भाई एक में बिजी है, मर्दा में मर्दे बैठे अगर लाडले ले तो दर्शन करा के ही जावांगे। लाडले म्यूट हो जा कर बकवास ना, हाथ में गलोकले का बना बदमाश ना। लाडले म्यूट हो जा कर बकवास ना, हाथ में गलोकले का बना बदमाश। जड़ा तू मिटावे असला ते मसले, मेरी आँखें के इशारे आले साइन कर सह। महाराजा महाराजा कह कन बुलावे नाम, गॉड फादर आवे देख शाइन करे। महाराजा महाराजा कह कन बुलावे नाम, गॉड फादर आवे देख शाइन करे। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। जानता न मारिए रमार का घसीटिए, छोड़ दे ये वैम बेटा खेल जाका जीटिए। जानता न मारिए रमार का घसीटिए, छोड़ दे ये वैम बेटा खेल जाका जीटिए। तेरा बर गिरे शहर नारे आर नारे पार, छोरा गोलियां ते काल जे डिजाइन करे से। महाराजा महाराजा कह कन बुलावे नाम, गॉड फादर आवे देख शाइन करे। महाराजा महाराजा कह कन बुलावे नाम, गॉड फादर आवे देख शाइन करे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहे तू। अपन को अंदर से आवाज आती थी, अश्वत्थामा है तू, अश्वत्थामा। घेर का सटोरी जो तू इंस्टा पे बना से चलाक लाडले, जिस दिन चढ़ गया तू अथा मेरे रगड़ेगा नाग लाडले। घेर का सटोरी जो तू इंस्टा पे बना से चलाक लाडले, जिस दिन चढ़ गया तू अथा मेरे रगड़ेगा नाग लाडले। दलिया तेरा दूर छानियाला मशहूर, छोरा यार हमारे बैठ फील फाइन करे से। रह तू भाई कह के गद्दारी कर गया, क्योंकि तेरा उसमें बेटा भरा था। पर मन्ने तेरे ताई फिर भी माफ कर दिया। बेरा है क्यों? क्योंकि तेरी माई ने मेरे ताई बेटा गया था,
क्योंकि तेरी माई ने मेरे तय बेटा गया था रे। महाराजा महाराजा कह कने बुलावे नाम गॉडफादर आवे देख शाइन करे महाराजा महाराजा कह कने बुलावे नाम गॉडफादर आवे देख शाइन करे से महाराजा महाराजा कह कने बुलावे नाम गॉडफादर आवे देख शाइन करे से। So guys, गाना और चुका है गॉडफादर और पता है क्या हरियाणवी लैंग्वेज इतनी मीठी लगती है ना, मतलब पंजाबी तो मतलब है ही मीठी सी लैंग्वेज, बहुत स्वीट सी लैंग्वेज, लेकिन जेडी हरियाणवी लैंग्वेज है ना यार, सुनकर मतलब कान में मिश्री सी घुलती है। बहुत ही अमेजिंग सी लैंग्वेज है ये और ना मतलब मीठी कह लो, मतलब एक कड़क सी लैंग्वेज है, मतलब दोनों टाइप की लैंग्वेज है। मैं क्या कह रही हूँ समझ नहीं आ रहा, दोनों टाइप की लैंग्वेज है। मतलब सुनकर ना बंदे का रॉप पता चलता है कि बंदा है क्या चीज। और जब सॉन्ग में लाडले बाबा हो रहा था ना, मतलब लाडले वर्ड रिपीट हो रहा था, बहुत ही अमेजिंग होता है यार ये लाडले वर्ड। सो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ पंजाबी के वर्ड्स होते हैं ना वो भी अमेजिंग लगते हैं, लेकिन हरियाणवी में जैसे सम वर्ड्स लाइक लाडले है ना, गॉड फादर जिस तरीके से वो कह रहे थे, और अपनी इस सॉन्ग में उन्होंने थोड़ी सी मुंबई लैंग्वेज भी यूज़ करी है, टपोरी वली जो होती है अपन अपन करके, बहुत अमेजिंग सा सॉन्ग लगा, कंसेप्ट अच्छा था। आजकल जितने भी दोस्त हैं वो अपने सगे तो है नहीं है, मतलब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो सगे नहीं हैं, वो सगा होने का नाटक करते हैं और फिर वो हमारे पीठ पीछे ही आस्तीन का सांप बने फिरते हैं, कभी उनको मौका मिला है तो डस लेंगे। कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं ऐसे नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, कुछ हैं, लेकिन वैसे भी किस सामने वाले की दोस्त की सक्सेस देखकर कोई भी खुश नहीं होता, कोई होएगा 99% 100% में से 0.00001%। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फैन भी ऑफ है, तो आपको तो बहुत ही अच्छा लगाएगा, तभी आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स करके वो कह रहे हैं कि गॉडफादर। बहुत अमेजिंग सा सॉन्ग है। गुलजार शनिवाल जी के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं मेरे को बहुत अमेजिंग लगते हैं, कन्या सॉन्ग के बाद से तो मेरे फेवरेट ही हो चुके हैं एक तरीके से गुलजार शनिवाल। एंड इन्होंने जिस तरीके से महाराजा जो म्यूज़िक मिक्सिंग मास्टरिंग हुआ है इसमें इन्होंने किया है, और बहुत ही अमेजिंग सी करी है इन्होंने मिक्सिंग मास्टरिंग, जिसमें क्या है कि महाराजा की जो ट्यून जो लास्ट में आती है, सो वो महाराजा ने ट्यून में इन्होंने कन्वर्ट किया। बहुत अमेजिंग लगा मेरे को ये सॉन्ग सुनकर, यार ये निकली जा रहा है। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, आपका मन है। गॉडफादर के लिए करिए या मेरे लिए करिए, किसी के लिए भी करिए, आपकी यही जो प्यार पूर्ण भावना है, पता नहीं क्या बोलते हिंदी में, जो आपका लव है इसको ऐसे ही बरकरार रखिए, ट्यून्ड रहे चैनल के साथ में। आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट वीडियोस, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आप देख सकें, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।